27 मार्च के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जिन्हें भी जरूरत हो उसे जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये काफी निहायत जरूरी होता है। तो चलिए, बिना समय को गंवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, 11 अप्रैल के मतदान में कितने सीटों के लिए मतदान होगा? 85, 91 सीट, 77 सीट या 109 सीट? जी हाँ, 11 अप्रैल को जो मतदान होगा वो 91 सीट के ऊपर होगा, इसे आपको एक ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और उसके पहले देखिए, ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स चालू हुआ है, जो हर महीने केवल 400 रुपीज का फी है। तीनों सब्जेक्ट का 6 महीने का कोर्स है। फर्स्ट महीने केवल 100 रुपीज एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी लगता है और 8 घंटे का प्रतिदिन का डाउट क्लास होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण की मंजूरी विषय -- अधिसूचित कर दिया है। ये थोड़ा सा मामला को समझना होगा, ये क्या है। तो देखिए, पहले औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 का अधिसूचित हो गया है, पास हो गया है, लेकिन ये मामला है क्या चीज, थोड़ा सा समझ लें। पहले जब विदेश से कोई भी मेडिसिन आता था, जैसे अमेरिका में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है, उस कंपनी को भी यहां पर मेडिसिन का ट्रायल होता था, यहाँ के इंडियन लोगों के ऊपर उस मेडिसिन को दिया जाता था कि वो औषधि काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर सेल होता था, सेल करने का परमिशन दिया जाता था। अभी इस नियम को हटा दिया गया है। अब ये बोला गया है कि अगर ये दवाई आपके यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, अमेरिकन फार्माकोपिया, कहीं पर भी इसकी ट्रायल हुआ है और उसमें अगर उस ट्रायल में जो लोगों को ऊपर परीक्षण किया गया उसमें अगर कोई भारतीय है, तो फिर से यहां पर उसको पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बात है, जिसके लिए क्या होता है, कोई भी औषधि जब विदेश में चल रहा होता है, बड़ी तेजी के साथ वो कंपनी हमारे देश में भी उस, अगर वो काफी जरूरी मेडिसिन है, तो उसे फिर से ट्रायल करने के लिए 6 महीने की जरूरत की नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक यहां पे किया जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हाल ही में गोलान पहाड़ी को किस देश की संप्रभुता को मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो है इसराइल के फेवर में तो कर दिया गया, थोड़ा सा ये गोला पहाड़ी का मामला जरा समझना होगा। 1967 में, आज नहीं, सीरिया के साथ जब इनका युद्ध हुआ था इसराइल का, ठीक है ना, तो गोलान पहाड़ी पर इसराइल ने कब्जा कर लिया, बेसिकली ये सीरिया का था। फिर जब सीरिया के आपके क्या कहते हैं आतंकवादियों ने वो एरिया जो है इनसे छुड़ा लिया, अब उसके बाद जो गोलान पहाड़ी पर फिर से इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया, अब है कि इस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो कोई भी इसे गोलान पहाड़ी को इसराइल का नहीं मानता है, मानता है ये सीरिया का है। लेकिन अब बात है कि भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 1967 का मामला है, ये देखा जाए तो इतिहास की तरह से ये आप ही का एरिया है। तो इन्होंने उसके साथ 1967 की जो है इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये गोलान पहाड़ी जो है वो इसराइल का एरिया है। तो ये एक ऐसी सवाल है, एक ऐसा घोषणा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत सारे सवाल को पैदा करता है, और इस तरह से हमारे सवाल में भी, एग्जाम में भी ये गोलान पहाड़ी के आने की चांसेस है। देखिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कोर्स जो है, ये मासिक फी केवल 500 रुपीज करके 6 महीने का है, फर्स्ट मंथ में केवल 600 रुपीज देना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति शुरू किया? मित्र शक्ति के ऊपर 2 बार सवाल आ चुका है। तो देखिए, मित्र शक्ति का जो संयुक्त
क्या कहते हैं सैन्य अभ्यास है वो श्रीलंका के साथ होता है। ये आज ही शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच हमारे देश से 120 सैन्य कर्मी भारतीय दल गए हैं और ये दियातलावा जो श्रीलंका में है वहां पर ये शुरू हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2019 को इसरो में निर्मित PSLV-45C, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर ध्यान में रखेंगे। एमीसेट सहित कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण करेगा, मतलब अभी हमारी देश की बोलने में गर्व होता है कि हम केवल अपने ही एमीसेट जो है हमारा उपग्रह है उसे नहीं लेके जा रहे हैं बल्कि दूसरों का भी ट्रक की तरह दूसरों का ढो के लेके जा रहे हैं, उनको भी हम अंतरिक्ष में छोड़ेंगे। आप समझ रहे हो, जैसे ट्रक है किसी एक का माल लेके जा रहा है फिर दूसरे का भी माल लेके जा रहा है। पहले तो हम अपना नहीं भेज पाते थे, मतलब हमने सीखा, लेकिन इतने दिनों में हम इसरो ने इतनी उन्नति की है कि अब दूसरे देशों के उपग्रह को ले जाया जा रहा है। दिस इज द PSLV-45C, याद रखेंगे PSLV-45C। ये 29 उपग्रह को हम लेके जा रहे हैं और ये 1 अप्रैल को छोड़ी जाएगी। हमारी जो इसमें जा रही है वो एमीसेट है, हमारी जो उपग्रह का नाम है एमीसेट, इसके छोड़ के 29 उपग्रह जो है इसमें आपका स्पेन का है, स्विट्जरलैंड का है, अमेरिका के उपग्रह हैं, ये सारा सब है। और भारत का रेडार नेटवर्क को निगरानी के लिए एमीसेट है। तो भारत के रडार नेटवर्क को निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह है, ध्यान में दिमाग में डाल दीजिए, एमीसेट है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई के चेयरमैन कौन है, देखिए ये भी सवाल आया हुआ है और ये सवाल जो है आपको पेशोपोश में डाल सकता है क्योंकि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है मुंबई का, इसको इसके जो मतलब आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं, तो अभी श्री शक्ति रंजन दास जी हैं। तो देखिए 1987 में इसकी जो स्थापना है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही हुआ है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ही इसके चेयरमैन होते हैं। कहीं कहीं किताबों में भी गलती दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति से इस बार भी आपका दीक्षांत समारोह में आते हैं, लेकिन हकीकत के जो चेयरमैन होते हैं वो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित हुआ, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, कोई भी काम समझ लें दुनिया में पहली बार हो रही है वो आपके एग्जाम के अंदर में दिखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो कहीं ना कहीं दिख जाता है, तो इसलिए यह ओस्लो है। ओस्लो कहां की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। देखिए यहां पे कोई ये इलेक्ट्रिक कार है, इसके अंदर में बैटरी है और इसकी जो वायरलेस चार्जिंग है मतलब कोई तार नहीं है, गाड़ी खाली खड़ी हो गई और वायरलेस गाड़ी चार्ज हो गई। तो देखो इनका जो है नॉर्वे का क्या सोच है, 2023 तक शून्य उत्सर्जन कैब प्रणाली, मतलब जितनी भी गाड़ी होंगी कोई भी आपके डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा, सब इलेक्ट्रिक से चलेंगे। इसके लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है, यहां इंडक्शन चार्जिंग होता है। नॉर्वे चाहता है कि 2025 तक सब कारें, नई कारें शून्य उत्सर्जन हो जाए, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसा जो है देश वो भी ये साहस नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2040 तो लग ही जाएंगे जब देश के सारे कार जो हैं वो आपके बैटरी या इलेक्ट्रिक से चलेंगे। लेकिन नॉर्वे जो है एक कदम आगे है, छोटी सी कंट्री है, तो वो 2025 तक अपने सारे कारों को, मतलब कोई भी ऐसा वाहन नहीं है जो पेट्रोल या डीजल से चलेगा, सबको वो इलेक्ट्रिक में चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने एयरवेज के किस एयरवेज के बोर्ड से हाल ही में इस्तीफा दे दिया, जी हाँ ये जेट एयरवेज है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल जी हैं और उनकी पत्नी अनीता गोयल है, इन्होंने उसमें से क्या कहते हैं अपना त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष पद से और बोर्ड ने उनकी इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। इससे ज्यादा हम इसलिए जानने की जरूरी नहीं है क्योंकि हम जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें ये इतना ही दूर तक ये आता है।
चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए किसके अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सदस्यों की समिति नियुक्त किया है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भुगतान सेफली हो इसके लिए आरबीआई ने पहल किया है। आरबीआई ने इसमें एक्सपर्ट को बुलाया है डिजिटल ये भुगतान के लिए, और 5 सदस्यों की समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष होंगे नंदन नीलेकणी, जो कौन है, जो आधार कार्ड के प्रणेता है, वो इसको डिजिटली कितना सेफली हमारे देश में, तो अभी काफी ज्यादा डिजिटल भुगतान भी हो रहा है और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे गड़बड़ घोटाला भी हो रहा है, उनपे कैसे चेक डाला जाए, इसके लिए नंदन नीलेकणी के साथ मिलकर एक समिति बनाया गया है जिसके अध्यक्ष जो होंगे नंदन जी होंगे, और 3 महीने के अंदर इनको रिपोर्ट देना है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये पीटर तबीची है। देखिए पहले स्वरूप रावल जी का भी काफी नाम आया हुआ था, एंड्रियो जेफेरिका को तो पहले पिछले साल मिला हुआ है, तो ये फ्रांसकिन धार्मिक व्यवस्था के एक सदस्य पीटर तबीची को 2019 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के साथ दुबई में एक समारोह में हॉलीवुड अभिनेता ह्यूग जैकमैन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में 2 भारतीय तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक संघ को, ये दोनों जो है, किस देश की सर्वोच्च पेट्रोलियम प्रतिष्ठान ने सम्मानित किया है? तो ये अबू धाबी ने सम्मानित किया है, और इन दोनों को जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने पुरस्कृत अन्वेषण अधिकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जरा थोड़ा सा न्यूज है, जरा देख लेंगे, इस पे भी थोड़ा सा नजर रखिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कल का सवाल था, और क्या बोलूं, किसने गलत किया मैं ढूंढ रहा था, शायद ही 2 लोगों ने गलत किया। काफी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट से बड़ा प्रेम है आप लोगों को और आप इस पे नजर रखते हैं, इसलिए हर कोई जो है ना धन्यवाद के पात्र हैं। आज का सवाल जो है मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है दोस्त। भारत में नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पर्पल डे आज है। हमने पूछा है भारत में नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, और जो सही जवाब देगा दिल से मेरा धन्यवाद रहेगा, और आशा करता हूं आप सभी इसका जवाब देंगे। तो चलिए, आप लोगों ने वक्त दिया इसके लिए काफी धन्यवाद आप लोगों को। साथ ही साथ एक बोलूंगा कि कुछ कोर्सेज चालू हैं, अगर आप में से कोई भी उत्साही हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।